अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे कलम कैमरा, मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिनों से सोच रही हूं कि आपसे बात की जाए। जो एक ऑनगोइंग सिचुएशन है कोरोना वायरस की और जिस तरीके से सेकेंड वेव जो कि दुनिया भर में एक्सपेक्ट की जा रही थी कि सेकेंड वेव ने आना है और दुनिया इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी थी, जो कुछ नेसेसरी कुछ इकदाम करने की ज़रूरत होती है उन पर भी फोकस किया जा रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं कि वो सेकेंड वेव जो है, वो दूसरी लहर जो है, वो अब आ चुकी है और जो कि अगेन एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इस पर बात भी की जा रही थी कि अगर माजी में भी जो पैंडेमिक्स हैं उनके ट्रेंड को स्टडी करें और इस वक्त भी जिस तरीके से ये वायरस और पैंडेमिक बिहेव कर रहा है उसको अगर स्टडी करें तो एक्सपेक्टेड था कि दूसरी लहर जो है उसकी शिद्दत भी पहली लहर से ज़्यादा हो सकती है, जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही दिखाई दे रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पैंडेमिक के दौरान, इस वायरस जो स्प्रेड हो रहा है इसके दौरान करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारी ऐसी एहतियात है जो कि करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे SOPs हैं जो कि बार बार बताए जाते हैं, उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। जहाँ मैं सोच रही थी कि आपसे इस इशू पर बात करेंगे कि किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा हमारा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड हो गया, जो कि मैंने सोचा कि जरूरी है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि अगर आपको खाली ये एहसास हो जाए कि आपके घर में किसी को ये वायरस हो गया है या आपको ये वायरस हो गया है और आप COVID-19 पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको कोरोना हो गया है, आप इसका शिकार हो गए, तो एक इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सबसे पहले, बाकी किसी और चीज़ से ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों से मेरी अपनी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, मैं डिफरेंट तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही थी जिसके अंदर खांसी थी, मेरी सांस ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट था, मुझे हल्का हल्का एक फीवरिश फीलिंग रही, मुझे बॉडी एक सो फटीग और वो जो तकरीबन सब वो चीज़ें जो कि कोविड के सिम्टम्स के अंदर होती हैं वो सब मैंने एक्सपीरियंस की और खासी सीवियर फॉर्म में एक्सपीरियंस की। मैंने कुछ 2-3 दिन के वक्फे से अपने 2 टेस्ट करवाए, मैंने दोनों दफ़ा मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर टेक्निकली मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ। सीजनल मामला भी है, मौसम भी इस तरह का है, इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को सीजनल एलर्जीज का मसला भी होता है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी डिफ्रेंशिएट करना भी कुछ मुश्किल होता चला जाएगा कि कोई पेशेंट जिसकी तबीयत ख़राब है क्या वो कोरोना वायरस का शिकार है, वो कोविड पॉजिटिव है, या उसको कोई सीजनल एलर्जी है, फ्लू है, उसको कोई सीजनल जो मामला है वो है। तो कुछ उसी तरह की चीज़ जो है वो हमने भी एक्सपीरियंस की, लेकिन जब मेरी तबीयत इस तरीके से ख़राब थी तो मेरे घर में 1-2 लोगों को और भी हल्की हल्की खांसी हमने उनको हुई, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन तबीयत हमने फील किया कि ओवरऑल शायद सबकी ख़राब होना शुरू हो गई। बट अगेन डिफरेंट वायरसेस के अंदर भी यही मामला होता है कि जो वायरल इलनेस है वो स्प्रेड करती है और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जो कि आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हैं, चांस होता है कि उनको भी वो सब कुछ होगा, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन फिर आफ्टर 2-3 डेज हमें ये पता चला कि कुछ 1-2 लोगों के साथ हम ऐसे कांटेक्ट में आए थे जो कि उन्होंने दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, तो उनको कोरोना था। ऑल्दो अगर हम उस मुलाकात के बारे में भी सोचते हैं तो हम बड़े मोहतात अंदाज में कुछ मिनट्स के लिए उनसे मिले थे, हमने मास्क पहने हुए थे, हमने जो SOPs के अंदर फासला बताया जाता है उसको मेंटेन किया था, लेकिन फिर भी एक डाउट इस चीज़ को लेकर हमारे जहन के अंदर डेफिनेटली आ गया था। अब जब हम मैं 1-2 लोगों की बात करती हूँ तो उसके अंदर एक तो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, तो हम लोगों को घर के अंदर एक डाउट क्रिएट हुआ कि हमें सबको अब एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जब मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करती हूँ, अपने बच्चों से दूर रहना, उनसे आइसोलेट करना, आपके सबके घरों में वालदैन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी फिक्र करना, उनको आइसोलेट करना और फिर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहना कि उनको मॉनिटर किया जाए कि क्या वो कोई सिम्टम तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्या कोई मामला ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं कहीं से वो वायरस कैरी करके लाके अपने घर के किसी बुजुर्ग को लगा बैठी हूँ। वो एक बहुत पेनफुल वक्त है, एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप किसी तरह के इस तरह के फेज से गुजरे हों जिस तरह के फेज से हम पिछले 3-4 दिनों से गुजरे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी मेरे पेरेंट्स इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जस्ट एज अ प्रिकॉशन क्वारंटीन में है, मैं खुद भी सेल्फ आइसोलेट कर रही हूँ। मेरी मदर मेरे साथ थी, शी इज़ एस्थमेटिक, मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ क्योंकि फॉल्स नेगेटिव्स और ये सारे मामला भी हो रहे हैं, तो नेगेटिव को हम कितना नेगेटिव कंसिडर करें, क्योंकि जो तबीयत की बात है या सिम्टम्स की बात है इन माई केस वो अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं, वो परसिस्ट कर रहे हैं।
मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें अभी भी हो रही हैं जो कि कोविड के सिम्टम्स के अंदर काउंट होती हैं। तो मे बी ये कोविड ना हो, ये कोई सीजनल एलर्जी हो, जो कि मुझे वैसे भी थोड़ा सा मामला होता है, इस्लामाबाद में रहने वाले बहुत सारे लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं इस मौसम के अंदर। लेकिन लाइक आई सेड कि अगर आप एहतियात ना करें और आप इस बीमारी को अगर खुदा ना खास्ता वाकई ही घर ले जाएं और आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को समेत अपने आप के रिस्क पर डालें, क्या वो मामला बेहतर है या ये मामला बेहतर है कि हम थोड़ी सी एहतियात कर लें। मैं कोई हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं करी कि इस वक्त कहाँ पर कितने केसेस हैं और क्या मामला है, लेकिन जो भी मीडिया के थ्रू, एनसीओसी के थ्रू हमें स्टैट्स मिल रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान तकरीबन सभी बड़े शहरों के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और जो स्पाइक के सेंटर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं या जो एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग वाली जगह, शादी हॉल्स, जहाँ जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं बगैर एसओपी फॉलो किए, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोगों को जमा किया जा रहा है वहाँ से स्पाइक्स रिपोर्ट हो रही हैं और वो फिर एक शख्स किसी एक गैदरिंग से कैरी करके जाके एक और गैदरिंग में उस वायरस को मुंतकिल कर रहा है और यही एक प्रोसेस है जिससे हम देख रहे हैं कि ये फैल रहा है। पाकिस्तान ने फर्स्ट वेव को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि दुनिया ने, पाकिस्तान ने जिस तरीके से फेस किया पैंडेमिक को, उसको सराहा, उसकी मिसालें दी। तो ये हम पर अब लाजिम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट करें। हर चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारी अपनी होती हैं, हमें खुद उनका एहसास करने की ज़रूरत है कि इस सारे मामले के अंदर हमारा भी हिस्सा है। अगर आप मास्क पहनकर खुद को महफूज कर रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप मास्क पहनकर उन लोगों को भी महफूज कर रहे हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप वो वायरस कैरी कर रहे हैं और अभी तक आप सिम्टोमेटिक नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आपको वायरस है, और अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप दूसरे बंदे को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं जिसके साथ भी आप इन कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे तो एटलीस्ट यू आर डूइंग योर बिट, आप जो अपनी तरफ से जो एहतियात है उसको इंश्योर कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। उसके बाद फिर अगर कुछ हो जाता है तो फिर यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, एटलीस्ट आपने अपना पार्ट जो है इस सारे मामले के अंदर उसको प्ले किया। गवर्नमेंट अवेयरनेस दे सकती है, गवर्नमेंट अवेयरनेस दे रही है, जहां पर उनको मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो बार बार अपील कर रहे हैं कि एहतियात करने का वक्त है, एहतियात कीजिए। अगर हम फिर भी ना सुने, हम उस पर अमल ना करें तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ये हम पर जिम्मेदारी आयद होगी, इसका फिर हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप किसी को आजकल टेलीफोन कॉल करते हैं तो एक मैंडेटरी रिंग टोन आपको सुनाई जाती है जब तक आपकी दूसरे एंड से कॉल रिसीव नहीं होती, जिसमें वो आपको मुसलसल बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी एहतियात करेंगे तो खुद भी महफूज रहेंगे, अपने प्यारों को भी महफूज रखेंगे। वो तो हर तरीके से इस चीज़ को रीइन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ऑलरेडी कोई एहतियात कर रहे हैं तो अभी टाइम है कि हम उसको मज़ीद स्टेप अप करें। अगर हम एहतियात नहीं कर रहे तो इट्स टाइम कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अभी इसी वक्त से हम एहतियात करना शुरू करें, अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क पहनें, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें अनलेस एक्सट्रीमली नेसेसरी, और अगर आप जाएं तो फिर उसके अंदर SOPs को फॉलो करके जाएं, इस तरीके से मत जाएं कि खुद को भी रिस्क पर डालें और जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आप उनको भी रिस्क पर डालें, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि इसका बहुत बहुत एक सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आपको एक मेंटल स्ट्रेस है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली रहते हैं, आपको जब ये महसूस होने लगता है कि शायद आपका कोई प्यारा एट रिस्क है तो उस वक्त आपको उसका प्रेशर जो है वो समझ में आता है। जब आपको ये लगता है कि शायद आप खुद एट रिस्क हैं, इस वक्त आप एक्सपोज्ड हैं, उस वक्त आपको समझ में आता है कि ये कितनी बुरी बीमारी है, ये कितना बुरा मर्ज है, और हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, इससे बचा जा सकता है। अगर कुछ सिंपल SOPs और एहतियातें हैं, अगर हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो मैं इस अपील के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगी कि प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, और जो SOPs गवर्नमेंट बार बार अपील कर रही है उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। एक सिंपल मास्क पहन लेने से आपका, आप कोई नुकसान नहीं करेंगे, एज अपोज टू अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे खुद का भी नुकसान करेंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी नुकसान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल मजाक उड़ाया जाता है उन लोगों का जो कि मास्क पहन के फिर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें जो कि मास्क के बगैर फिर रहे हैं और अपनी इस गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड से
वो ना सिर्फ खुद को बल्कि औरों का नुकसान भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इट्स अबाउट टाइम कि हम सब सामने आए, हुकूमत का भी साथ दें ताकि वो जो इस वेव से, इस पेंडेमिक से निपटने में कामयाब हो, क्योंकि हुकूमत आपको अवेयरनेस दे सकती है, हुकूमत आपके लिए इलाज की सहूलियात मैसर कर सकती है, हुकूमत आपकी जगह आपके लिए मास्क नहीं पहन सकती, मास्क आपको खुद पहनना है। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।